यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने जहां एक तरफ यूपी की तस्वीर बदल दी है तो वहीं गोरखपुर में उन्होंने नौका विहार बनवाकर उसकी दशा और दिशा दोनों बदल दी है। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी ने गोरखपुर के लोगों के सपने को सच करके दिखाया है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट नौका विहार के लिए अब उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं। जो गोरखपुर कभी अपराध के लिए प्रसिद्ध था, आज वही गोरखपुर तारामंडल के नौका विहार के लिए मशहूर है और यूपी के कोने कोने से पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं और इस तारामंडल के चलते गोरखपुर की दशा दिशा दोनों बदल गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 साल पहले जब अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों का सौंदर्यकरण किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर का नौका विहार, जो कि आज पूर्वांचल के लिए मरीन ड्राइव बन चुका है, उसका कार्य भी किया गया। इस काम को खुद सीएम योगी ने अपने हाथों में लिया। यही वजह है कि आज गोरखपुर की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। मरीन ड्राइव कहे जाने वाली जगह पर खड़ा हूँ, जिसको नौका विहार के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है यह नौका विहार और यहाँ पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 हज़ार पर्यटक बाहर से आते हैं और घूमते हैं, नौका विहार का आनंद लेते हैं। एक समय यह ऐसा था कि जब यहाँ पर हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुआ करते थे, यहाँ पर आने से भी लोग डरते थे। लेकिन अब सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिहाज से इस पूरे जगह का कायाकल्प करवाया और अभी आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही किस स्तर तक यहाँ पर है, किस हद तक यहाँ पर है। लोग आ जा रहे हैं, लोग अपने परिवार के साथ आते हैं और अपने जीवन को बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पर जीते हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, यहाँ के अनुभव के विषय में पूछेंगे, जानेंगे कि लोग बाग जो आते हैं वो कैसा उनको लगता है। कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर। कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं? 2 से 3 बार। पूरी लाइफ में 2 से 3 बार? कैसा लगता है? पहले ये जगह इस तरह नहीं हुआ करता था? नहीं, अच्छा लगता है घूमने के लिए, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए ठीक है। पहले यहाँ पे लोग आने से डरते थे? हाँ, ये तो सच है। अभी कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, परिवर्तन तो हुआ है। आप कहाँ से हो? गोंडा से। आप यहाँ पे कितनी बार आए? पहली बार। कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, अभी अंदर और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है अंदर और एक्सप्लोर करने को। पहले यहाँ पर लोग आने से डरते थे, सीएम योगी ने 4.5 वर्षों में इसको एक मरीन ड्राइव जैसा बनाया है। जी जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको यहाँ आके? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, अभी और देखते हैं क्या कुछ नया है। अगर मरीन ड्राइव जैसा नाम दिया है तो देखें, दोनों मरीन ड्राइव तो देख ही चुके हैं, इसको भी देख लें, कंपेयर कर लें क्या है। हम यहीं से हैं, गोरखपुर से। कितनी बार, इसके पहले कितनी बार आ चुके हैं? हम सैकड़ों बार आ चुके हैं। जब ये जगह नहीं बनी थी तब आप आए थे? हाँ, आए थे। कैसा लगता था उस समय? उस समय तो शांति थी यहाँ पे। अब तो मतलब एक पिकनिक स्पॉट हो गया यहाँ पे। अभी 4.5 वर्षों में इसका जो कायाकल्प योगी ने किया है, जी जी, कैसे देखते उस नजरिए? हाँ, अब तो ठीक है, काफी विकास हुआ है यहाँ पे। जी, ये ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, कुछ लोग गोंडा से हैं, कुछ लोग स्थानीय हैं, कहीं ना कहीं से सीएम योगी ने जो एक विकास की जो एक लाइन खींचा था, विकास को लेकर जो उनका एक विज़न था, वो सामने निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से ये जो जगह जो पहले हत्या, लूट, बलात्कार के लिए फेमस हुआ करता था, आज यहाँ पर 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार के आसपास में रोज़ पर्यटक आ रहे हैं और इस जगह का महत्व दोनों अब बढ़ चुका है। लोग खुले मुंह से सीएम योगी को धन्यवाद देते हैं। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, नेटवर्क 10, गोरखपुर। एक मरीन ड्राइव मुंबई में है तो दूसरा यूपी के गोरखपुर। यहाँ फिल्मों और गानों की शूटिंग हो रही है और आज ये जगह लोगों के घूमने की पहली पसंद बन चुका है। नेटवर्क 10 के लिए गोरखपुर से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।